तो आज हम बात करेंगे जन की, जन के बारे में पढ़ेंगे। जन क्या है? जन है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, इसका लिख लो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसको गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस भी कह सकते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म। और इसका पोर्टल क्या है? पोर्टल पोर्टल कौन सा है? www.jem.gov.in। जन का पोर्टल क्या है? www.jem.gov.in। तो ये जम का पोर्टल है। ये एक ऐसी शॉप है जो गवर्नमेंट की है, जहां से सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जनरल आइटमें परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे फ्लिपकार्ट है, ईबे है, ठीक है ना, अमेजोन है, शॉप क्लूज है। लेकिन जितने भी जो प्राइवेट लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शॉपिंग करने के लिए जो पोर्टल बनाया गया है उसको जेम कहते हैं। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही शॉपिंग कर सकते हैं, समझिए। तो ये है। अब ये बनाई किसने है? डेवलप्ड बाय किसने बनाई है? ये दो डिपार्टमेंट ने मिलकर बनाई है, DGSND ने और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT। DGSND ने बनाई है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT, ये दो डिपार्टमेंट ने मिलके इसको डेवलप किया है। इसको चला कौन कर रहा है? होस्टिंग कौन कर रहा है? होस्टेड बाय DGSND। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या बोले सर? MEIT का MEIT फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये नई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और DGSND ने मिलकर ये साइट डेवलप की है। तो इसको होस्ट कौन कर रहा है? DGSND। DGSND की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टर जनरल सप्लाईज एंड डिस्पोजल। ठीक है, ये लॉन्च कब हुई? लॉन्च कब हुई? लॉन्च हुई 9/8/2016 को, 2016 में लॉन्च की गई थी। जेम किसके द्वारा लॉन्च की गई? सुरेश प्रभु के द्वारा। कब लॉन्च की गई? 9/8/2016 को। सुरेश प्रभु उस टाइम क्या थे? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे। ठीक है ना, अब कौन है ऐसे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अब मिनिस्टर कौन है? अब है पीयूष गोयल। ठीक है ना, इन्होंने चार्ज कब लिया था? 31 मई
2019 को चार्ज लिया है सर, ये पदभार संभाल है। अब इसका एम क्या है, एम है जो जो भी परचेजिंग का कार्य है उसको एफिशिएंसी एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी और क्या है स्पीड, स्पीड इन प्रोक्योरमेंट। क्या एम है, एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी और स्पीड इन प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए और बहुत स्पीड से काम होना चाहिए परचेज का। जैसे पहले बहुत देर लग जाती थी ना परचेजिंग करते करते, कई कई महीने लग जाते थे, लेकिन इससे काम स्पीड में हो जाएगा। अब ये किस एक्ट के अधीन बनी है, कौन सा एक्ट है जिसके अधीन ये अंडर बनाई गई है, वो एक्ट का नाम लिख लो, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 और इसका सेक्शन है 8। तो ये रूल कौन सा लगता है इसमें, रूल नियम कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस, एलोकेशन ऑफ बिजनेस 338 अमेंडमेंट। रूल 2017, ठीक है, ये रूल है। रूल का नाम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस 338 अमेंडमेंट रूल 2017, ये रूल लगता है, ठीक है ना। ये इस एक्ट के अधीन ये रूल बना है। और कौन सा रूल है, एक जनरल फाइनेंशियल रूल है GFR। कितना अमेंडमेंट लिखे सर, 2017 अमेंडमेंट 338। कितना अमेंडमेंट हो गया सर, 338 अमेंडमेंट रूल 2017, ठीक है, ये उसका हो गया। आगे और रूल कौन सा लगता है, GFR। GFR क्या होता है, जनरल फाइनेंशियल रूल, जनरल फाइनेंशियल रूल 2017। इसका जो सेक्शन है, जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 का सेक्शन है, या नंबर है, सीरियल नंबर कौन सा है, 149। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम का जो जेम के बारे में GFR रूल में किस सेक्शन में आता है या किस धारा में आता है, तो वहां पे लिखेंगे 149, उसके अंदर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर आएगा, जो मैं एक नंबर का तो जरूर आएगा, जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 सेक्शन 149 में क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि जो जेम को होस्ट कौन करेगा, होस्टेड बाय डीजीएसएनडी होस्ट करेगा, या गवर्नमेंट जिस डिपार्टमेंट को नॉमिनेट करेगी, ठीक है। फिलहाल तो कौन कर रहा है, डीजीएसएनडी, आगे हो सकता है किसी और डिपार्टमेंट को भी दे सकते हैं, यानी गवर्नमेंट जिसको चाहेगी पोस्ट करे वो डिपार्टमेंट करेगा।
तो इसमें क्या है और क्या है, जितनी जनरल आइटमें हैं जितनी भी जनरल आइटमें हैं जो सभी डिपार्टमेंट में लगती हैं, जैसे कंप्यूटर सभी डिपार्टमेंट में लगते हैं, प्रिंटर सभी डिपार्टमेंट में लगते हैं, एसी सभी डिपार्टमेंट में लगते हैं, पंखे सभी डिपार्टमेंट में लगते हैं, जितनी भी जनरल आइटमें जो सभी डिपार्टमेंट में लगती है रेलवे के अलावा, उन सभी आइटमों को जेम से परचेज करना होता है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी फ्रॉम जेम, जितने भी जर्नल आइटमें हैं वो जेम से परचेज करना जरूरी है, करना ही करना है हाँ, ये मेरा बाध्य है, जो जो भी जर्नल आइटमें हैं जो जेम पे अवेलेबल है, जेम पे अवेलेबल है उसको जेम से ही लेना है, समझेंगे, ये मैंडेटरी कर दिया उन्होंने। और क्या किया है, ये सेक्शन 149 में ये सब लिखा, ये सब सेक्शन 149 में लिखा है। और इसका रेट कौन सर्टिफाई करेगा, रेट, रेट को सर्टिफाई जो परचेजर है, परचेज कर रहा है वही सर्टिफाई करेगा, परचेजर रेट को सर्टिफाई कौन करेगा, परचेजर, और जो फर्म है उसका क्रेडेंशियल है उसको सर्टिफाई कौन करेगा, फर्म का मतलब कि फर्म सही है या नहीं है, फर्म के बारे में सर्टिफाई करना कौन, उसकी जिम्मेवारी किसकी है, उसकी जिम्मेवारी डीजीएसएनडी की है सर्टिफाई करने, ठीक है, ये तो जो है डीजीएसएनडी तय करेगा, लेकिन तय नहीं करेगा, रेट जो है ना, रेट जो है सप्लायर जो है अपने अपलोड कर देगा उसके जेम पोर्टल पे, अब 10 फर्म है, 10 फर्मों ने अपने कंप्यूटर का रेट अपलोड कर दिया, अपना अपना भी मैं कंप्यूटर देना चाहता हूँ रेलवे डिपार्टमेंट, इसको सिविल डिपार्टमेंट को जेम पे, वो अपने प्रोडक्ट लोड कर देगा, उसका रेट रख देगा कि मैं इतने में दूंगा, तो उसको सर्टिफाई उसको रेट को एक्सेप्ट करना परचेजर की जिम्मेदारी है, अब डीजीएसएनडी की नहीं, पहले डीजीएसएनडी करता था, जितने भी रेट कॉन्ट्रैक्ट होते थे या रनिंग कॉन्ट्रैक्ट होते थे वो कौन करता था, डीजीएसएनडी उसकी टेंडर निकालता था, लेकिन अब वो टेंडर नहीं निकालता, ये अब इन्होंने अपलोड कर दिया, फर्म ने सप्लायर ने अपने अपने उस पे पोर्टल पे अपलोड करने के बाद, अब जो जिसने परचेज करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने वो उसका रेट सही है या नहीं है, उसकी जिम्मेदारी उसने देखना रेट को, उसने जो लोएस्ट है उसी से खरीदना, क्योंकि 10 फर्म है, 20 फर्म है, 50 है, उन्होंने अपने अपने रेट लगाए हुए, जो लोएस्ट होगा उसी से खरीदा जाएगा। और इसमें तीन चीजें हैं जो इसका क्राइटेरिया है, एक है डायरेक्ट परचेज, डायरेक्ट परचेज जो 50,000 से नीचे है, यानी कि अप टू 50,000, 50,000 से नीचे है जो आइटम जिसकी वैल्यू है उसको परचेजर डायरेक्ट परचेज कर लेगा किसी भी फर्म से, फ्रॉम एनी फर्म, किसी भी फर्म से कर लेगा, उसमें रेट को उसने जो चीज उसको अच्छी लगी 50,000 से नीचे कि हाँ ये चीज अच्छी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है पूरे पूरा कर रही है, इसकी स्पेसिफिकेशन सही है, तो उसको वो डायरेक्टली 50,000 से नीचे है तो उसको परचेज कर लेगा, ऑर्डर डाल देगा, ठीक है। तो दूसरा है L1 परचेज, L1 परचेज की वैल्यू कितनी है, वैल्यू मोर देन 50,000,
50,000 से ऊपर और अप टू 30 लाख, 30 लाख तक, जिसमें जिस आइटम की वैल्यू रहेगी उसमें मिनिमम 3 फर्म कम से कम लेनी है, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, कम से कम 3 फर्मों के रेट को कंपैरिजन करना है। इसमें से जो L1 होगा उस पर ऑर्डर डाल दिया जाएगा। इसमें भी और इसमें एक चीज और है, एक होती है बिडिंग और एक होती है RA। बिडिंग क्या होती है? बिड, बिड का मतलब टेंडर, बल्कि एक एक इसमें टूल है, दो टूल है, ये बिडिंग का टूल है, आरे का टूल। तो बिडिंग से चाहे 50,000 से ऊपर और 3 लाख से नीचे है, अगर तीन फर्मों से हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे उसके बाद हम बिडिंग भी कर सकते हैं, बिडिंग भी कर सकते हैं और आरे भी कर सकते हैं। बिडिंग क्या होती है कि हमने टेंडर जैसे निकाल दिया कि ये आइटम है, हमने ये आइटम खरीदनी है, इसका रेट दो, तो वो डेट फिक्स कर देते हैं, टेंडर ओपनिंग डेट फिक्स कर देते हैं, फिर उस डेट तक वो अपने अपने जो जो रजिस्टर्ड ऑलरेडी जम पे रजिस्टर्ड है वो अपने अपने रेट, मान लो किसी फर्म ने, ये तीन फर्म थी, इन्होंने एक ने 10,000 रेट रखा हुआ है, ठीक है, एक ने 11,000 रखा हुआ है, एक ने 12,000 रखा हुआ, तीन फर्म है, तो किससे देंगे हम? 10,000 वाले से। लेकिन 10,000 वाले में भी हमें थोड़ा डाउट लग रहा है कि ये थोड़ा महंगा लग रहा है, तो फिर हम बिडिंग करेंगे कि हमें इससे कम में मिल जाए, तो वो उसकी डेट हम फिक्स कर देंगे ऑनलाइन और उस डेट को फिर वो टेंडर खोलेंगे, तो वहां पे जो रेट आएगा आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा है, इसमें से अब हमने रेट फिक्स कर दिया कि 10, हमें मालूम पड़ गया कम से कम 10,000 रुपया रेट आ रहा है, लेकिन इससे नीचे आ सकता है और आ सकता है। कैसे आ सकता है? एक तो टेंडरिंग से आ सकता है यानी कि बिडिंग से, दूसरा आ सकता है आरए से। आरए क्या होती है? रिवर्स ऑप्शन। रिवर्स ऑप्शन, रिवर्स ऑप्शन क्या है? एक होती है फॉरवर्ड ऑप्शन और एक होती है रिवर्स ऑप्शन। फॉरवर्ड ऑप्शन कहां पे यूज होती है? सेल में, स्क्रैप सेल में। रिवर्स ऑप्शन कहां पे है? ये होती है जहां पे परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना, यहां पे रेट फिक्स कर लिया है 10,000, हमारा हमने देख लिया कि कम से कम 10,000 है। अब हम आरए लगाएंगे जैसे बिडिंग लगाते हैं, आरए लगाएंगे, उसकी डेट फिक्स कर देंगे कि इतने से लेके इतने इस टाइम तक ये हमारा आरए खुला रहेगा, रिवर्स ऑप्शन खुला रहेगा। तो जो भी जेम के सप्लायर हैं वो देखेंगे इस आइटम का आरए लगा हुआ है, रिवर्स ऑप्शन लगा हुआ है, तो अपनी बोली लगाएंगे, बोली होती है, वो कहें एक एक बंदा लगाएगा 10,000 से कम कर देगा, वो 9,910 कर देगा मान लो, ठीक है ना, दूसरा 9,900 कर देगा, तीसरा बंदा कहेगा यार मैं भी दे सकता हूं इसको, चलो कम कर देते हैं और कम कर देते हैं, तीसरा बंदा 9,890 कर देगा, फिर पहले वाला कहेगा यार अगर वो दे सकता तो मैं ही क्यों ना दे दूं, पहले वाला कहेगा मैं 9,880 में दे देता हूं, ऐसे करके वो रिवर्स ऑप्शन चलती रहती है, जहां पे एक आ जाते कि इससे कम में हम दे ही नहीं सकते, सारे अपने घाटा थोड़ी खाना किसी ने, जहां पे फर्म वालों को लगता है कि इससे कम में हम दे ही नहीं सकते तो उस रेट पे ऑर्डर डाल जाता है। मान लो कि सबसे कम रेट आ गया 9,880, तो इस रेट पे हमारा हम ऑर्डर डाल देते हैं। ये है बिडिंग में और आरए में ये फर्क है। दो तीन फॉर्म का रेट मैच कर गया रिवर्स ऑप्शन डालने के बाद,
रिवर्स ऑप्शन के बाद मैच करेगा ही नहीं, कंप्यूटर पहले 10,000 का मिनिमम रखा ही हुआ है, जो दूसरा कोई देगा तो वो कम का या बोली देगा ना उसको, अगला दे नहीं सकता, उतनी बोली देगा 9,880 देगा तो उठाएगा नहीं, वो तो ऑलरेडी दी है बोली। सर 9,880 पे कोई फॉर्म लॉक कर दिया, हाँ, और जो फॉर्म 9,910 पे किया था वो बाद में फिर 9,880 कर सकता है, लेकिन नहीं उसका टाइम उस टाइम वो टाइम वो तो उसने कर दिया, उसके बाद उससे कम कर सकता है, उससे चाहे 5 रुपए कम कर दे, कम करना पड़ेगा उसको, तो कर सकता है, बराबर थोड़ी रेट होगा, नहीं रिवर्स में तो आ सकता है ना, फिर नीचे तो आ सकता है, अगर इसमें लेना है तो इसको 9,870 या 75 करना पड़ेगा, चाहे 1 रुपया कम कर दे, ये फर्क है। हाँ बार्गेनिंग है ये, सीधा सीधा कहो कि आर ए एक बार्गेनिंग है, जैसे हम डायरेक्ट किसी दुकान पे जाते हैं बार्गेनिंग करते हैं, ऐसे ये बार्गेनिंग का तरीका है, आर ए समझ गए, कंप्लीट हो गया ना। अब तीसरा इसमें क्या है, ये जरूरी नहीं था, मैंने बताया था ना कि दो नंबर में जरूरी नहीं है, ये आर ए से या बिडिंग से करना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो तीसरा है इसमें बिडिंग या आरए दोनों में से एक, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जरूरी है, इसी से करेंगे, उसमें कितने भी फर्म आ जाए अपना पार्टिसिपेट करें, अगर बिड लगानी है बिड लगा सकते हैं, आरए लगानी है तो आरए लगा सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, परचेजर की मर्जी है। इसमें जो वैल्यू होगी वो मोर देन 30 लाख, 30 लाख से ऊपर, और इसमें दोनों टूल यूज तो होते ही हैं, बिडिंग का और आरए का, और एक इसमें रेट फाइनल करने के लिए बीए बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस रेट को फाइनल करने के लिए बिजनेस एनालिसिस टूल भी दिया गया है, कि जो परचेजर है वो एनालाइज करेगा, कंपैरिजन करेगा दूसरे पोर्टल से, जैसे हमने अपना प्राइवेट कोई मोबाइल परचेज करना है प्राइवेट पर्सन में, तो हम कोई भी आपने मोबाइल देखा मॉडल देखा अमेजोन पे देखा, पहले अमेजोन पे देखा, फिर आपने दूसरे पोर्टल पे देखा, अमेजोन पे रेट कुछ और है तो दूसरे पोर्टल पे देखा उस पर कुछ और है रेट, फिर तीसरे पे देखा उस पर कुछ रेट और है, 4-5 पोर्टल आपने देखे सभी में थोड़ा सा रेट का प्राइस का फर्क आ रहा है, आइटम सेम है, आइटम सेम है, स्पेसिफिकेशन सेम है, सब कुछ सेम है, मॉडल सेम है, लेकिन रेट का थोड़ा फर्क आ रहा है, तो हम जहां से हमें सस्ता लगेगा जिस पोर्टल से उसी से खरीदेंगे, ये तो है प्राइवेट में, अभी जहां में खरीदना तो हमने जम से ही है, लेकिन हम कंपैरिजन करेंगे प्राइवेट पोर्टल से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, कि कहीं ये फर्म वाले 4-5 बंदे जो भी है बिडिंग डाल रहे हैं ये मिल तो नहीं गए आपस में, जो आपस में मिल जाते हैं उनको क्या कहते हैं कार्टल फॉर्मेशन, जब 5-10 बंदे जितने भी फर्म है अगर वो एक आइटम दे रहे हैं, अगर 5 के 5 बंदे मिल गए आपस में उसको कार्टल फॉर्मेशन कहते हैं, उसको तोड़ने के लिए फिर बिजनेस एनालाइज किया जाता है, बाहर के मार्केट प्राइस भी देखे जाते हैं कि मार्केट में किस रेट से मिल रहा है, तो अगर सही यहां से सही दे रहा तो फिर ठीक है, तो ये तीन चीजें इसमें प्राइवेट में सर कम से मिलेगा तो फिर क्या करेंगे उसको दोबारा लगाएंगे, दोबारा भी लगाएंगे सेटिस्फाई, अगर आप सेटिस्फाई, क्योंकि इसमें रूल में पहले ही लिख दिया
कि परचेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेट को एक्सेप्ट करना, सर्टिफाई करना, और किसी की जो डीजीएसएनडी की जिम्मेवारी नहीं है ना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी। आपने देखना जो परचेजर है कि ये रेट इसका सही नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं, ये भी देख। तो ये जो रूल बनाए पढ़ाए हैं मैंने जीएफआर के, ये एप्लीकेबल ओनली ऑन जेनरल। तो ये तीन चार जो रूल बताए हैं ये केवल जेम के ऊपर एप्लीकेबल है। जेम के अलावा और जगह से परचेज करते हैं, आईआरईपीएस से परचेज करते हैं, तो फिर वो सारी पावरें बदल जाती है। आपको पावरें पढ़ाई हुई है ना पहले, तो वो पावर वहां वो लगेगी, तो यहां पे वो पावर नहीं लगेगी, समझेगी। एक है ईएमडी कितनी लगेगी जेम, जेम वाले केस में। अब मैं सिर्फ जेम का पढ़ा रहा हूं, जेम को ही दिमाग में रखना है, है? अब दूसरे मिक्स नहीं करना ईएमडी, दूसरे केसों के साथ मिक्स नहीं करना। ईएमडी जेम केस में कितनी लगती है, वैल्यू ₹25 लाख से ऊपर, मोर देन 25 लाख, और लगती कितनी है एट द रेट ऑफ 1%। उसमें ऑप्शन दी होती है वैसे, और ए ऑप्शन भी है, 1 से लेके 5% तक ऑप्शन है, कि वो परचेजर की मर्जी है कि उसको क्लिक करना है कि 1% जब वो लगाएगा ना बिडिंग का, जब इशू करेगा या आरए का जब इशू करेगा, तो तभी उसको अपलोड कर देगा कि इसको ईएमडी 1% जमा करानी है या 2 करानी है, 3 करानी है, 4 करानी है, 5%, मिनिमम 1% और मैक्सिमम 5%, ठीक है। ये ऑप्शनल ही है, कम से कम 1% तो है ही, और 25 लाख से नीचे की ईएमडी नहीं है, 25 लाख से नीचे के ईएमडी लगेगी नहीं। अब एक क्वेश्चन और दिमाग में उठता है, लॉजिक भी अपने लगाने हैं। चलो मैं कह रहा था मिक्स नहीं करने, तो मिक्स कर लो। दूसरे केस में परचेजिंग जो आईआरपी से परचेज करते हैं, वहां से ईएमडी कुछ और है, सेल करते हैं सेल में 10% है, आईआरपीएस में 2% है, पहले 5% भी होती है कई जगह पे, तो ये यहां पे 1% क्यों रखी गई, वहां पे वैल्यू भी देखो 5 लाख रखी है, 5 लाख से कम पे नहीं लगेगी, 5 लाख से ऊपर है तो उस पर ईएमडी जमा करानी होगी, यहां पे 25 लाख से नीचे नहीं, ईएमडी नहीं लगेगी, 25 लाख से ऊपर है तो 1% लगेगी, ठीक है। तो इसमें 1% क्यों है, इतने कम क्यों है, ये लॉजिक लगाना है, ये इसलिए कि इसको जेम को प्रमोट करने के लिए, अभी जेम नया नया है इसको प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट करने के लिए ये मतलब कि 25 लाख तक की ऑफर दे रहे हैं कि अभी आपके 25 लाख तक आप सप्लाई करो, आपके ऊपर कोई ईएमडी नहीं। कई लोग ईएमडी देख के भाग जाते हैं कि हम नहीं यार, पहले ईएमडी जमा करानी पड़ेगी फिर एसडी जमा करानी पड़ेगी, एसडी इसमें है ही नहीं, एसडी है ही नहीं इसमें, एसडी काटा मार दो। तो ईएमडी रिटर्न जो होती है ये 15 दिन में जो अनसक्सेसफुल बिडर है, मानो 10 बंदों ने बोली लगाई, अपना टेंडर भरा, 10 में से एक का पास हुआ, तो जिसका पास हुआ उसकी तो ईएमडी रख ली जाएगी, और जिनका पास नहीं हुआ टेंडर 9 बंदों का, उनकी ईएमडी 15 दिन के अंदर अंदर वापस कर दी जाएगी।
समझेंगे। अब जो सक्सेसफुल बिडर है या टेंडरर है, वो जब परफॉर्मेंस गारंटी जमा कराता है, परफॉर्मेंस उसकी सही होती है या मटेरियल सप्लाई करता है, सक्सेसफुली मटेरियल सक्सेसफुली सप्लाई कर देता है, उसका मटेरियल पास हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्ट होने के बाद 15 दिन बाद उसकी ईएमडी वापस कर दी जाएगी। समझी, वो था अनसक्सेसफुल बिडर, जिनके अनसक्सेसफुल रह गए थे उनकी 15 दिन बाद, कब, जब वो टेंडर फाइनल हो गया, टेंडर फाइनल होने से 15 दिन बाद, और इसकी मटेरियल एक्सेप्ट होने से 15 दिन बाद। क्लियर? और ईएमडी किससे नहीं ली जाती, 25 लाख से नीचे है उससे नहीं ली जाएगी, एमएसएमई फर्म है उससे नहीं ली जाएगी। क्या एमएसएमई फर्म है? माइक्रो स्मॉल मीडियम। केबीआईसी, हाँ, ए कैश, ऐसे कोयर बोर्ड होता है जो नारियल के उससे बनाते हैं ना, कत्ता वगैरह बनाते हैं, कोयर बोर्ड बनाऊंगा वहां से नहीं लेते, कोयर बोर्ड से। इसे ईएमडी नहीं ली जाती, 25 लाख से कम, लेस देन 25 लाख, ये दो हो गए, तीन, लेस देन 25 लाख से कम हुआ तो एमएसपीएस नहीं लगेगी, जो लगता है वो नहीं लगेगा। 25 लाख से नीचे तो किसी को भी नहीं लगेगी ईएमडी, 25 लाख से ऊपर है तो फिर एमएसएमई को भी नहीं लगेगी, 25 लाख से ऊपर भी है तो, ठीक है ना, इन सबको किसी को नहीं लगेंगे अगर 25 लाख से ऊपर है तो, समझिए। और एक ओरिजिनल ओईएम, ओईएम किसे कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जो, इसमें टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ऊपर, मोर देन 5 करोड़ में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है और वो प्रॉफिट में चल रही है, प्रॉफिट पिछले 3 साल से प्रॉफिट में चल रही है, 5 साल का लिया जाएगा, 5 साल में से 5 साल में से पिछले 3 साल उसके वो प्रॉफिट में रही हो, उससे ईएमडी नहीं ली जाएगी। यह है जन्म।
ईएमडी नहीं लगी ना। हाँ इन केस में जो बताया इसमें किसी में ईएमडी नहीं लगी। अब एक क्वेश्चन आया था पीछे इसमें स्कोरबस्ती में भी क्वेश्चन आया था कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या जरूरी है। जमीन के ऊपर रजिस्टर कराने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो उसमें नंबर एक पे उसका आधार किसका सर, जिसने रजिस्टर कराना है, करना है ये फर्म का नहीं है, मैं परचेजर की बात कर रहा हूँ। परचेजर का ये परचेजर का रखा रहा हूँ, फर्म पूछो ना, परचेजर का रखा रहा हूँ, परचेजर का आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड नंबर ये है मैंडेटरी। यहाँ का परचेजर डिप्टी सीएमएम, ठीक है। नंबर दो पे मोबाइल नंबर जो के लिंक्ड हो विद आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक्ड जो मोबाइल नंबर है वो होना चाहिए। और तीसरा है ईमेल, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी ऐसा नहीं कि कोई भी ईमेल आईडी चलेगी, जो गवर्नमेंट की ईमेल आईडी वही चलेगी। कौन कौन सी, जिसके पीछे gov.in लगा है या nic.in लगा है, jembio.jembio.in drdo.in के बाद क्या लिखे जन जी एम जन बायर बी यू वाई आर जन बायर डॉट इन, ये जिस ईमेल आईडी के पीछे ये लगा है वहीं से रजिस्टर ईएमएल पर पहले वहां पर रजिस्टर करानी पड़ेगी। तो ये तीन चीजें मैंडेटरी हैं, जरूरी है, इनके बिना रजिस्टर नहीं होगा। तो रजिस्टर कौन होता है, अथॉरिटी कौन है, इसमें प्राइमरी यूजर बनता है, प्राइमरी प्राइमरी यूजर, प्राइमरी यूजर ये कौन होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेड है वो हो सकता है, ठीक है। तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या करता है, इसकी क्या जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी है रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन ऑन जेम, जेम के ऊपर रजिस्टर करवाने की जिम्मेदारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की। तो ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये अपने सेकेंडरी यूजर यूजर बना लेता है, ये भी इसकी जिम्मेदारी सेकेंडरी सेकेंडरी यूजर बनाने की जिम्मेदारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की है। और क्या जिम्मेदारी है, सुपरविजन, सुपरविजन किस चीज की, कि जो जीएफआर रूल है वो कंप्लाइंस हो रहे हैं या नहीं, ठीक है, टाइमली पेमेंट हो रही है या नहीं, और कोई डिस्प्यूट है उसको रिसॉल्व करना, वो जिम्मेदारी किसकी है, प्राइमरी यूजर की, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। डीजीएसएमपी कर रहा नहीं, हर डिपार्टमेंट का वो डीएसएमपी होस्ट कर रहा है, होस्ट है वो,
वो डीएसएल भी कि देख रेख में सब कुछ हो रहा है, लेकिन हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल का हो गया डिपार्टमेंट का, मैकेनिकल का हो गया, जैसे सिविल का हो गया, फिर दूसरे डिपार्टमेंट, रेलवे के अलावा दूसरे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जितने भी, उनका जो भी हेड होगा वो प्राइमरी यूजर वो बनेगा। हाँ, पीसीएमएम करेगा या उसके लेवल का जो भी सेक्रेटरी, कम से कम सेक्रेटरी होता है, कम से कम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या कम से कम सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होता है, ठीक है। तो उसमें अब प्राइमरी यूजर ने एक तो रजिस्ट्रेशन करवानी है, दूसरा सेकेंडरी यूजर क्रिएट करना है, तीसरा सुपरविजन करनी है किसकी, कि ये सही तरह से कंप्लाइंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, रूल जो है जीएफआर रूल, पेमेंट सही हो रही है या नहीं, कोई डिस्प्यूट हो गया उसको सॉल्व करना, ये सारी, और उसकी मॉनिटरिंग करना, सारी देखरेख करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा है सेकेंडरी यूनिट, सेकेंडरी दूसरा है सेकेंडरी यूजर, इसको कौन रजिस्टर करता है, प्राइमरी यूजर, बताया ना अभी मैंने कि सेकेंडरी यूजर को कौन बनाएगा, प्राइमरी यूजर। तो प्राइमरी यूजर की जो जिम्मेदारी क्या है, सारी जो परचेज की जिम्मेदारी है, जितनी भी ट्रांजेक्शन होनी है, ये सारी जिम्मेदारी प्राइमरी यूजर की है, सेकेंडरी यूजर की है। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेट की, रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्राइमरी यूजर की नहीं है, सेकेंडरी यूजर की। जेम के थ्रू जो मटेरियल आता है, आने के बाद क्या होता है, वो एक्सेप्ट होता है, तो उसकी एक ना पीआरसी प्रोविजनल, प्रोविजनल रिसीट सर्टिफिकेट, पीआरसी जनरेट होता है, पीआरसी प्रोविजनल सीट सर्टिफिकेट जनरेट होता है, सीआरसी है, सीआरसी बताता हूँ अभी, वो सीआरएस। दूसरा क्या जनरेट होता है, सीआरएसी। जब मटेरियल आता है तो वो प्रोविजनली जब आता है रिसीव हो जाता है तो पीआरसी बनता है, फिर जब फाइनली हो जाता है, फाइनल एक्सेप्ट हो जाता है, तो फिर सीआरएसी कंसाइनमेंट रिसीट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, कंसाइनमेंट रिसीट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, ये जनरेट होता है, जिसके बाद उसकी पेमेंट हो जाती है। आज का इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।